Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Hello dear friends, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, और अभी परी को ट्यूशन भेजा है मैंने, और सुबह जब परी उठती है तो काफ़ी अंधेरा सा होता है। तो अब क्या करें, यही शायद स्ट्रगल टाइम होता है, मतलब पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और एक जो ठंड की दस्तक है ना, वो फील हो रही है कि हाँ भाई, लगता है ठंड आ चुकी है। तो चलो चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी काम करने में। और एक्चुअली निशु को भी अभी जगाना है मुझे, क्योंकि निशु तो अभी सो रहा है। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, और उधर निशु को भी अब मैं जगाने जा रही हूँ। और यहाँ पे जी वैक्स का डिब्बा रखा है, ये एक्चुअली ये वाला ब्लॉग जो है ये करवा चौथ से पहले का ब्लॉग है। एक्चुअली किसी वजह से मैं डाल नहीं पाई थी, तो बस आज मैंने अपलोड किया है। सॉरी फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा ना मिस्टेक लग रही हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो पीछे की तरफ मतलब हमारे जो कर्टन लगा हुआ है, मैं उसे सुबह सुबह हटा देती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कर्टन हटाना भी, क्योंकि जब सुबह सुबह हल्की सी धूप सी आने लगती है और पेड़ पौधे दिख रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आज है बच्चों के बाबा जी का बर्थडे, और मतलब जिस टाइम पर भी बर्थडे है, मतलब अभी था, तो उस वक्त ना परी के और निशु के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो ये हुआ कि एक छोटी सी पार्टी दोपहर में कर ली जाएगी, मतलब छोटी सी, और उसके अलावा सब बच्चों के जो भी मतलब रिक्वेस्ट होगी या जो भी खाना चाहेंगे, तो पापा की तरफ से जो पार्टी दी जाएगी वो मतलब कहीं बाहर चल के हम लोग खा पी लेंगे। तो ये था कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि बाबा जी का बर्थडे आने वाला है, बाबा जी चीज़ खाएंगे, ये वो तो होता ही है। फिर तो हम सभी लोगों ने फिर प्लान बनाया था कि चलो ऐसा ही करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सभी बच्चों ने अपनी पसंद का खाया है, पापा ने भी खाया, और सब लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे पापा को मतलब सेलिब्रेट के साथ साथ पापा को मतलब जो विशेज हैं वो दी जा रही हैं, तो पापा बहुत खुश हो रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि मतलब इसी तरीके से ये दिन बस बढ़ते ही रहें, और हमेशा बड़ों का साथ रहे। और मतलब बड़ों का साथ होना भी बहुत बड़ी बात है, और हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता, और हम बहुत लकी हैं कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा सा खुशी का माहौल है। और सच्ची बताऊँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना मेरे बच्चे जब अपने बाबा जी के साथ ना टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब जैसे गॉड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, कि अगर हम कुछ भी कहेंगे ना तो वो हमें शायद मतलब समझाएंगे या कुछ भी कहेंगे, फिक्र करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस दोनों दीदियाँ ही थी और हम लोग थे, बस उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सभी लोग दूर दूर हैं तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो पार्टी है मतलब कुछ दिनों बाद के लिए कर दी गई है। तो अभी यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने अभी घी बनाने के लिए रखा था, क्योंकि बहुत दिनों से वो भी डल रहा था, कि क्योंकि घर की सफाई वफाई के चक्कर में भी और त्यौहार की तैयारी के चक्कर में ना वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आज मैं लोबिया की फली बना रही हूँ, जो कि हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। तो ये मैंने धनिया और लहसुन हरी मिर्च को पहले ही मतलब चॉप्ड कर लिया है। चॉप्ड कैसे किया मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी तरीका। जैसे कि एक डोंगे में आप, जैसे ये लाल रंग का बाउल था, तो उसमें धनिया को और लहसुन वगैरह को धुल के डाल दिया था मैंने, और कैंची लेके मैंने उसमें चलाना शुरू कर दिया था। तो आप यकीन मानिए, ना ही वैसे कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वो हाथ पे चिपकेगी, और इतनी इजीली चॉप्ड हो जाती है ना, कि बहुत ही अच्छा मतलब देखने में जो इसका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, कि पीसने में बहुत आसान हो जाती है। और आप देख ही सकते हो कि काफ़ी सारी है ये धनिया और लहसुन, और जो कि बहुत आसानी से पिस रही है। अगर जैसे बड़े बड़े रेशे होते हैं ना जो धनिया के, तो बड़े डिस्टर्ब करते हैं, और कभी कभी ना वो पिसते भी नहीं है सही से। तो मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत पसंद है चटनी, हरी चटनी जो होती है, मतलब नॉर्मली तो घर में सभी को पसंद है, पर मतलब हम लोग ये होता है ना कि एक वो टाइम आता है जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, तो शायद हमारा वही टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे ना हरी धनिया की चटनी बन चुकी है, पर ये जो बनाई है मैंने सब्जी के हिसाब से बनाई है, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरा पहले ब्लॉग देखा होगा तो मैंने शेयर भी किया आप लोगों से सब्जी को, तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, सीधा काटना है, उबालना है और निचोड़ देना है,
और सिंपली जो जीरा होता है और हींग से तड़का मारना है, और सब जो मतलब निचोड़ी हुई जो बॉल्स होती हैं उनको इसमें डाल देना है, और हरी चटनी जो बनाई होती है लहसुन की और हरी मिर्च की और धनिया की वो इसके ऊपर डाल देनी होती है, और इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। अरे हाँ भाई, शायद मैं नमक भूल रही हूँ तो नमक भी ऐड करते हैं, और हल्दी वगैरह कुछ नहीं पड़ती है इसमें, इतनी डिलिशियस लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ ना कम है। कभी भी भविष्य में भी कभी आपको लगे ना कुछ अलग से खाने का मन है तो एक बार ना ये वाली फली ट्राई करना। मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं भी खाते होंगे ना आप इसको खाना शुरू कर दोगे तो आप देखो कि मैंने किस तरीके से निचोड़ा है। वैसे मैंने आपको सारी विधि बता ही दी है, तो कभी आपको लगे तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने में बनाना ज़रूर। सब्जी में इतना कोई झंझट नहीं होता, तो आपने देखा ना कि मैंने कैसे तड़का लगाया था और हरी चटनी भी डाल दी है, नमक डाल दूंगी और इसके अलावा मैं इसको इसी तरीके से मतलब फ्राई करती जाऊंगी, क्योंकि जितना हम लोग अच्छे से करते जाएंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो जो चटनी है वो सब इसमें मिक्स हो जाती है तो मतलब इतना ही शानदार इसका टेस्ट होता है ना कि मैं जितनी तारीफ करूँ कम होगी। तो ये वाली जो सब्जी होती है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और मतलब वो कभी भी आनाकानी नहीं करते और जबकि बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि उन्हें ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है और आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताना। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेन करने वाले ब्लॉग आएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे, तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।